रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। चलें अभी फाइनेंशियल फंक्शन में सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म्स और उनके नाम। जैसे लोन अमाउंट को इजी इंग्लिश में हम लोन अमाउंट कहते हैं, जबकि फाइनेंशियल टर्म में उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, इंटरेस्ट, और उसको फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं रेट। ड्यूरेशन उसको फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं नंबर ऑफ पीरियड। इंस्टॉलमेंट उसको फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं पेमेंट। किस्त, ये हो गई किस्त, ये हो गया दौरानिया, मतलब कितने अरसे के लिए लिया है और ये मंथ्स में होता है, और ये आपका आएगा सूद, ठीक है, ब्याज, और इसको हम लोन अमाउंट यानी कर्जा जो हम लेंगे, ठीक है। कर्जा दो तरह का होता है, एक जो बगैर बिला सूद लिया जाए उसे हेल्प कहते हैं, और जो सूद पे लिया जाए उसको हमारी जबान में आजकल के कारोबार कहते हैं, या उसको ब्याज या सूद पे देने वाला पैसा कहते हैं, ठीक है। किस्त, मतलब जैसे आपने 2 लाख रुपए लिए और आपकी किस्त है महीने के 3,000 रुपए, आपने हर महीने 3,000 रुपए, दैट इज द इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे और कैसे करना है, तो देखें इसमें होता ये है कि कैलकुलेटर है, एक हिसाब इसको समझने का तरीका है कि पहले आपने जो कर्जा लेना है या देना है उसको लिखना है नेगेटिव फॉर्म में, जैसे कि 5 लाख रुपए, चलो 2 लाख रुपए कर लेते, ठीक है, उसको लिखना है विद माइनस साइन, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पे हमें लिखना है कि भाई कितना इंटरेस्ट रेट है, 30% ये इसका इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो ब्याज इसके ऊपर लग रहा है, ठीक। और फिर ड्यूरेशन उसका नंबर ऑफ पीरियड्स में, मतलब एटलीस्ट 1 साल के लिए होता है ये कर्जा जो ब्याज पे दिया जाता है ना, तो 12 महीने, 2 साल के लिए हो जाएगा 24 महीने, 3 साल के लिए हो जाएगा 36 महीने, मतलब जितने मंथ्स हैं उसको आप लिखेंगे मंथ्स पे, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी, कभी किया किसी ने, उसके लिए एक फंक्शन है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ नाम पीएमटी, वो हमें मिलेगा फॉर्मूला में जाके फाइनेंशियल्स के अंदर पीएमटी के नाम से। इस फंक्शन को आप लॉन्च करेंगे, ये आपसे 3 बातें पूछ रहा है, तो पहला पूछ रहा है रेट बताइए, रेट का रेफरेंस देंगे जहाँ पे उसका रेट मौजूद है उस सेल में, एन पर में ड्यूरेशन का रेफरेंस दीजिए, तो ड्यूरेशन में आ गया नंबर ऑफ पीरियड, और प्रिंसिपल वैल्यू में पीवी यानी कि इसका रेफरेंस दीजिए। तीनों रेफरेंस देने के बाद आपको इसमें करना ये कि रेट को डिवाइड करना है 12 से। वाई रेट को इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जो इसका जो प्रॉफिट रेशो निकलता है, जो इसका जो हम निकाल रहे होते हैं सूद, वो हर 12 महीने पे ही निकल रहा होता है, तो इस रेट वाले सेल के रेफरेंस को डिवाइड करेंगे हम किससे, 12 से। जैसे ही 12 से डिवाइड करेंगे, ओके करेंगे, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये कैलकुलेट कर देगा हमें 8,490.32 इसकी किस्त बन चुकी है इंस्टॉलमेंट, यानी कि अब इस तरह की इसको 36 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, तो ये इस कर्जे को भी उतार लेगा और इसका इंटरेस्ट रेट भी रिलीज कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेट मिनिमम 12 मंथ्स पे होता है फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन काउंट ये 12 महीने के ऊपर होता है, हाँ एटलीस्ट 12 महीने के, इससे कम पे नहीं, वो 12 महीने का कैलकुलेट करके इसकी किस्तें बना देगा सारी, जिसमें इसका इंटरेस्ट रेट भी होगा। कितने दे रहे हैं, ठीक है जी, माइनस इसलिए कि ये कर्जा हमने दे दिया है या ले लिया है तो हम डेप्ट हो गए ना, अब पे करना है, तो जैसे जैसे पे करते जाएंगे वो इसमें से माइनस होता जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। देखो मैंने कर्जा दिया तो मेरे पास तो माइनस होगा ना, आपके पास प्लस हो जाएगा, अब आपने वापस करना है तो आप उसको अपने पास माइनस करेंगे, मुझे देंगे तो मैं अपने पास प्लस करता जाऊंगा, इस वजह से नहीं। डेबिट क्रेडिट में तो आता है कि आपने जो अमाउंट आया आपके पास वो डेबिट में लिख दिया, जो आपने खर्चा किया वो क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने एक स्टेप कर लिया इसका। अब दूसरी टर्म है इसके अंदर जो आ रही है रेट मालूम करना, अब इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। अब इसमें एक सिचुएशन ये है, जो दूसरी सिचुएशन है उसके अंदर, कि अब आपके सामने जो है यहाँ पे क्लिक करके 2 लाख रुपए का कर्जा लिया है 60 महीनों के लिए, उसकी किस्त 6,470 रुपए, ये आपको पहले से पता है। अब आपको मालूम करना है इसमें इसका रेट क्या है, ठीक है ना, उसमें आपको पेमेंट मालूम करनी थी, इसमें आपको मालूम करना है इसका रेट क्या है। तो रेट कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, फाइनेंशियल फंक्शंस में जाएंगे और यहाँ से रहेंगे RATE रेट, तो रेट पे क्लिक करने पर, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लेंगे एन पर पे एन पर ले लेंगे, पेमेंट पे पेमेंट ले लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे। अब इस पूरे फार्मूले को ओके कर देंगे, तो आंसर आ रहा है 3%, जो कि गलत है।
सही आंसर क्या है? इस पूरे फॉर्मूले पर डबल क्लिक करेंगे और उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है? तो 12 महीनों के ऊपर इसको रेट को मल्टीप्लाई करेगा और आपको एक एग्जैक्ट फिगर निकाल देगा जो कि बन रहा है 30%, ठीक है? तो ये इसका रेट अमाउंट है। अगर आप इसको इस तरह से भी करके देखना चाहें मिसाल के तौर पर, यहाँ से नीचे आइए, अब ये 30% है 36 मंथ के लिए, तो अगर आप यहाँ पे 60 की एंट्री कर देंगे और इंटर करेंगे तो देखें किस, देखें 6,470 रुपये कैलकुलेट हो गई। सिमिलरली यहाँ पर देखें आपको वही आंसर देखने को मिल रहा है 6,470। इसका मतलब ये जो मामला हमने किया ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही? तीसरे ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो आपको आएगा प्रिंसिपल वैल्यू मालूम करने का तरीका। अब व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू? अब यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है? अब कह रहा है कि भाई 30% पे एक कर्जा लिया गया है जो कि 60 महीनों के लिए है और 6,470 रुपये उसकी पेमेंट है, बताएं कि कर्जा कितना है। फाइंडिंग द लोन अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू, तो जाएंगे फाइनेंशियल्स में और यहाँ से फंक्शन ले लेंगे जिसका नाम है पीवी, ठीक है? पीवी, तो यहाँ से हम लेंगे पीवी और यहाँ क्लिक करके यहाँ से लेंगे रेट, यहाँ से लेंगे एनपर, एनपर के बाद क्लिक करेंगे पे इंस्टेंट और यहाँ से पेमेंट ले लेंगे। अब इस पूरे फॉर्मूले में हमें क्या करना है? इस पूरे फॉर्मूले में देखें कि जब हम ये तीन चीज़ों को बता रहे हैं तो इसमें हमें करना ये पड़ेगा कि अगर हम इसको ओके कर देते हैं तो आंसर आ रहा है 21,000 समथिंग वगैरह, तो अब ये इस तरह से नहीं होगा, इसको भी हमें किसी चीज़ को डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने के बाद ही हमें आंसर सही मिलेगा। तो यहाँ से रीसेंट यूज में चले जाते हैं और यहाँ पे हम जाके उसी फंक्शन को लॉन्च कर लेते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल वैल्यू और यहाँ से हम क्लिक करके रेट में रेट ले लेते हैं और इन पर इन पर ले लेते हैं और पेमेंट में पेमेंट ले लेते हैं और रेट को डिवाइड करते हैं 12 से। जैसे रेट को डिवाइड किया 12 से, ओके किया, तो आंसर पूरा का पूरा 2,00,000 रुपये आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। हमने ऊपर भी किया था 2,00,000 रुपये का कर्जा 30% 66,470 इसकी बन रही थी, तो तीनों फिगर्स हमें पता थी, चौथी फिगर इसके में फाइंड करके बता दी, ठीक है? अब आ जाते हैं पांचवी सिचुएशन के ऊपर। पांचवी सिचुएशन है फाइंड द नंबर ऑफ पीरियड। अब नंबर ऑफ पीरियड मालूम करना है, इसमें आपके पास तीन डेटा है, मतलब आपके पास कर्जे की रकम का पता है, इंटरेस्ट रेट का पता है और पेमेंट का पता है 6,470 रुपये, लेकिन ये नहीं पता ये कितने अरसों के लिए कितनी किस्तें देनी है। फाइंडिंग द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फाइंड करना है, ठीक है? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो एन पर है। एन पर फंक्शन, फंक्शन में जाएंगे, एन पर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही एन पर पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो हम एन पर एन पर एन पर यहाँ से क्लिक करके और हम आएंगे यहाँ पे, तो रेट में रेट बताएंगे, पेमेंट में हम पेमेंट बताएंगे जो कि यहाँ आ रही है और प्रिंसिपल वैल्यू में हम प्रिंसिपल वैल्यू बताएंगे जो कि यहाँ आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ख्याल करना है, इसमें करना ये है कि आपको रेट को दोबारा से डिवाइड कर देना है 12 से। तो जैसे ही 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर देखें 60 यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है और ओके करने पे ये 60 आंसर यहाँ पे आपका परफेक्ट आ जाएगा। नहीं, अब कुछ में आगे जाके चेंज भी हो रहा है ना, अब देखिएगा एक में रेट को मल्टीप्लाई भी तो करना है ना 12 से रेट निकालते हुए। अब आइए यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, और व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? एफ बी। देखें जैसे प्रिंसिपल वैल्यू हो गया कर्जे की रकम, रेट हो गया उसका इंटरेस्ट रेट सूद, और नंबर ऑफ पीरियड हो गया उसके मंथ्स, पेमेंट हो गया उसकी किस्त, फ्यूचर वैल्यू जो कि ओवरऑल अमाउंट रिटर्न किया जाएगा, ओवरऑल अमाउंट रिटर्न किया जाएगा, ठीक है जी? हाँ, विद प्रॉफिट, विद उसके प्रॉफिट के। तो उसके लिए हम एफ वी फंक्शन है, तो यहाँ से लॉन्च करेंगे एफ वी, तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है एफ वी और यहाँ पे हमें बताना है रेट में रेट और इन पर में इन पर बता देना है, पेमेंट में पेमेंट बता देनी है और प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू बता देनी है। अब यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन को डिवाइड करना है 12 से, मतलब एन पर को डिवाइड करना है 12 से, यहाँ पे कीजिएगा और जैसे ओके करेंगे तो 2,00,000 रुपए के कर्जे के ऊपर 5 साल में ये रिटर्न करेगा 6,84,071 रुपए, यानी कि 68,84,071 रुपीज ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर एक फंक्शन और लगा हुआ है पीएमटी का, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बन गया। अगर हम यहाँ पे कर्जे की रकम को 5,00,000 रुपए तक ले जाए तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो सेम 16,176 रुपए की इसकी किस्त बन रही है। तो रिटर्न अमाउंट हो रहा है 3,67,17,00,000 और तकरीबन 10,177 रुपए ये रिटर्न करेगा। तो ये ऑटो कैलकुलेट करके बता रहा होगा, मतलब वेदर यू आर गेटिंग लोन और यू आर, मतलब दे रहे हैं आप लोन या ले रहे हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं, बता सकते हैं। अब आते हैं नीचे फाइंडिंग द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट। अब एक पेमेंट जो होती है उसमें इंटरेस्ट कितना होता है, एक किस्त के अंदर सूद की रकम कितनी शामिल होती है, मतलब किस्त बन रही है 6,470 रुपए, तो इसमें हर महीने इस किस्त में से कितने पैसे प्रॉफिट में, आई मीन टू से अदर वर्ड में ब्याज में, सूद में जाएंगे,
ठीक है, वो मालूम करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइनेंशियल फंक्शन पे, और इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट यानी कि आईपीएमटी, आईपीएमटी फंक्शन को जैसे लॉन्च करेंगे, GHIJKLMNO IPMT IPMT ERA functions AMT IPMT, और जैसे ये फंक्शन आप लेंगे और उसके बाद आप बताएंगे इसमें रेट को रेट बताएंगे, ठीक है, पर में बताना है वन, क्योंकि आप एक किस्त मालूम कर रहे हैं, वन एन पर में बताना है ड्यूरेशन, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, प्रिंसिपल वैल्यू में बताना है प्रिंसिपल वैल्यू, और फिर आपने डिवाइड करना है इसको रेट को 12 से, तो ये बता रहा है कि 6,470 रुपये में 6,470 रुपीज़ में 2,608 रुपीज़ जो है वो ईच एंड एवरी मंथ और हर इंस्टॉलमेंट में से प्रॉफिट में जाएंगे, सूद में जाएंगे, ब्याज में जाएंगे, ठीक है, वो कर्जे में से कम नहीं होंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट, फाइंड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट, मतलब कर्जे में से कितने कम होंगे हर महीने इस किस्त में से, तो पीपीएमटी फंक्शन का नाम है, तो पीपीएमटी मालूम करने के लिए प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट, तो वैसे ये करके बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए पेमेंट है 18,076 रुपये की हर महीने की किस्त, जिसमें इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट है 7,500 रुपये, वैसे तो एक तरीका ये भी कि इसमें से इसको माइनस करें और निकल आएगा, लेकिन बिल फर्स्ट आपको सिर्फ ये पता है, ये नहीं पता और ये मालूम करना है आपने, तो पीपीएमटी फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, पीपीएमटी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे हम आएंगे नीचे और यहाँ पे हमें फंक्शन मिलेगा पी सेक्शन में पीपीएमटी, तो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं पीपीएमटी क्लिक करेंगे प्रिंसिपल पार्ट ऑफ पेमेंट, तो उसमें भी यही तरीके का है कि रेट में रेट बताएंगे, पर में बताएंगे वन और एन पर में बताएंगे ड्यूरेशन या यहाँ पे, और इसको बताएंगे प्रिंसिपल वैल्यू में प्रिंसिपल वैल्यू, और इसको भी रेट को करेंगे डिवाइड 12 से, तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया 10,576 रुपीज, 18,000 में से 10,576 रुपीज 5,00,000 में से हर महीने कम हो जाएंगे, जबकि 7,500 रुपए इजीली प्रॉफिट इस पे गेन किया जा सकता है, समझ में आई बात ये, तो ये इसका तरीका है पूरा फाइनेंशियल फंक्शंस का, कि किस तरीके से आप जितना भी मामला है लोन के लेने के किस्त के प्रिंसिपल पार्ट के इंटरेस्ट पार्ट के उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं।